हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अभी फिर से नई रेसिपी के साथ। तो दोस्तों, आज आप जैसा देख ही रहे हैं कि मैं आज कलेजी फ्राई बनाया हूँ। ये चिकन कलेजी है दोस्तों, और इस कलेजी को मैंने सिर्फ काली मिर्च पाउडर के साथ बनाया और किसी तरह का मसाला का यूज़ नहीं किया है। तो आइए आज हम काली मिर्च वाली सिंपल कलेजी फ्राई बनाते हैं, जो कि आप तावे पर भी बना सकते हैं, बट हमारे पास वो तावा नहीं है बड़ा वाला, तो मैंने इस पे बनाया है और काफ़ी अच्छा बनता है दोस्तों, और काफ़ी टेस्टी भी बनता है, आप दिख ही रहा है। तो दोस्तों, आइए मेरे स्टाइल में आज काली मिर्च की चिकन कलेजी बनाते हैं। और जैसा कि हमेशा बोलता हूँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। तो आइए मेरे स्टाइल में कलेजी फ्राई बनाते हैं। तो दोस्तों, चिकन फ्राई जो हमारा चिकन कलेजी फ्राई है, जो मैं बस सिंपली फ्राई करूंगा, उसके लिए मैंने यहाँ चिकन का लीवर ले लिया है, कलेजी जिसे हम बोलते हैं, हाफ के जी। इसे अच्छा तरीके से काट लिया और धो लिया है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों कि अब एक कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में तेल डाल देते हैं। और दोस्तों, जैसा कि हम तेल डालने के बाद, ये देखिए हम यहाँ काली मिर्च यूज कर रहे हैं 10 से 12, और ये हमारा जीरा, और ये हमारा लहसुन और हरी मिर्च। हरी मिर्च मेरा 4 है, लहसुन की गली भी मैंने 4 ही यूज किया है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं कि कढ़ाई लेते हैं, और कढ़ाई में हम तेल डालते हैं, और तेल डालने के बाद जब तेल गर्म हो जाए तो जीरा और काली मिर्च डालते हैं। तो आई थिंक हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो ये देखिए, हमने तेल यहाँ ले रखा है, और जीरा और जो हमारा काली मिर्च है उसे डाल दिया हूँ। अब इसे चला लेते हैं, और अब क्या करते हैं, अब इस टाइम हम इसमें जो हरी मिर्च और हमारा लहसुन है उसे भी डाल देते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ हरी मिर्च और लहसुन भी डाल दिया। अब इसे 1 से 2 मिनट पका लेते हैं, ताकि जो हमारा लहसुन है, लहसुन का कच्चापन निकल जाए। और दोस्तों, जो मैं आज ये कलेजी बना रहा हूँ, ये सिर्फ काली मिर्च की मसाला वाली है, मीन्स ये बहुत ही फ्राई बनेगी। कोई हम इसमें किसी तरह का टमाटर या किसी तरह का हम प्याज यूज़ करेंगे, बरिस्ता यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, हमारा लहसुन भी कलर छोड़ दिया है, मीन्स पक चुका है। तो आइए मैं इस टाइम जो हमारा कलेजी है उसे भी डाल देते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए हमने कलेजी डाल दिया, और डालते ही देखिए कितना बेहतरीन और अच्छा दिखने लगा। और जो मैं आज कलेजी बनाने जा रहा हूँ, ये ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाऊँगा। ये एक्चुअली जो ब्लैक पेपर वाली कलेजी है, ब्लैक पेपर फ्राई आप बोल सकते हैं लीवर, तो आज वही बना रहा हूँ। तो फिलहाल हम इसे 5 से 10 मिनट पकाएंगे ऐसे ही, ताकि हमारा कलेजी अच्छे से पक जाए, भून जाए। तो इसे छोड़ देते हैं दोस्तों ढककर 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो दोस्तों, अब मसाले की बात करें तो हमने यहाँ 1 टीस्पून सेल किसी ज़्यादा काली मिर्च पाउडर, और 1 पिंच मैंने बस यहाँ गरम मसाला लिया है, और यहाँ हमारे पुदीने की सूखी पत्ती है। ऐसे तो आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, आप नहीं तो आप चाहें तो आप इसमें धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। तो आइए इसे अब हम मिक्स कर लेते हैं, अच्छे खासा चला लेते हैं, और 2 मिनट हम पकाएंगे अपने काली मिर्च को मसाले के साथ, हमारा जो लीवर है यहाँ कलेजी। अब उसके बाद हम इसमें हल्की सी बरिस्ता डालेंगे। तो फिलहाल हम इसे चलाएंगे और मिक्स करके छोड़ देते हैं। अभी हम बरिस्ता नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे, 1 से 2 मिनट के बाद डालते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए 2 मिनट बाद मैं बरिस्ता डाल दिया हूँ। अब बरिस्ता डालने के बाद मिक्स करते हैं 1 से 2 मिनट, फिर उसके बाद हम गैस को बंद करेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। तो आइए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा बनता है। मैं तो भूल ही गया, मैंने इसमें अभी नमक डालना भूल गया, पर हम इतना भी लेट नहीं हुए हैं। तो आइए इसमें स्वाद अनुसार नमक डालते हैं। तो दोस्तों, नमक डालने के बाद हम 1 मिनट और पका लेते हैं, मैं किसी में भूल गया था, और फिर उसके बाद मैं इसे डिश आउट कर लूँगा, और फिर उसके बाद हम खाते हैं इसे प्लेन रोटी के साथ, जो कि बहुत बेहतरीन लगता है। तो आइए 1 मिनट के बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे दोस्तों।
तो दोस्तों 2 मिनट हो चुका है, मैंने गैस बंद कर दिया है। अब आइए इस टाइम हम अपना जो कलेजी है उसे निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारा जो काली मिर्च की कलेजी फ्राई है वो रेडी हो चुकी है। वैसे तो मैंने कलेजी के बहुत सारे रेसिपी पहले भी बना कर शेयर कर चुका हूँ दोस्तों, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट जाके आप सर्च कर सकते हैं। मैं इस चैनल के इस वीडियो के नीचे भी अपना रेसिपी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। और ये आप इस कलेजी को बनाइए, ये बहुत जल्दी बन जाती है दोस्तों और ये बहुत परफेक्ट है, अच्छी लगती है। और इसमें सिर्फ मैंने काली मिर्च डाला है, ज़्यादा मसालेदार नहीं होती है। आप इसे सिंपल रोटी या सिंपल पराठे के साथ खा सकते हैं और इसे ज़रूर बनाइए, बना के मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको ये जो काली मिर्च की चिकन कलेजी है फ्राई आपको कैसे लगी। तो दोस्तों जैसा कि हमेशा बोलता हूँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप इसे बना के कमेंट कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।